सरकार ने जो बजट पेश किया है इसमें किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। पिछले 5 साल के अंदर बीजेपी शासन रहा लेकिन उसमें किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। जगह जगह किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, मुआवजों के नाम पर उनको कुछ नहीं मिला है और अब जो वो कहने जा रहे हैं केवल चुनावों को वो मद्देनजर रख के किसानों की बात कर रहे हैं वो एक छलावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कल का जो बजट पेश किया गया उससे युवाओं को कोई लाभ नहीं मिला है। पिछले 5 सालों से बीजेपी सरकार कहती आ रही है कि 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार दिलाएंगे, लेकिन जो बजट पेश हुआ है उसमें युवाओं के रोजगार से संबंधित कोई भी ऐसी योजना नहीं है, कोई भी रोजगार से संबंधित बात नहीं कही गई है। तो जहाँ तक है युवाओं के लिए कोई बात नहीं कही गई, इसलिए हम संतुष्ट नहीं हैं। कल जो बजट पेश हुआ है वो देश को समर्पित बजट है। इसमें महिलाओं के जो मातृत्व अवकाश की जो वृद्धि बढ़ाई गई है उसमें भी पूरा पूरा ध्यान रखा गया है, ऐसे कि किसानों का भी पूरा पूरा ध्यान रखा गया है और मजदूर हुए सभी हर वर्ग हर क्षेत्र में हर वर्ग में मोदी जी ने सभी को ध्यान रखकर सभी को बजट में रखा गया है। ये बजट बहुत ही अच्छा है, देश की जनता को समर्पित बजट है। इस बजट में 5 लाख तक की आय वालों को टैक्स फ्री करा गया है, इससे आम जनता को बहुत ही राहत मिलेगी। और दूसरा, किसानों के लिए भी बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की गई है, 6,000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। साथ ही असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए भी 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा है, आम जनता को समर्पित है। मोदी जी का बजट जो है वो अच्छा है, जैसे मोदी जी ने किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक देने की एक बात कही है वो किसानों के हित में है। उसके अलावा फुटकर विक्रेता जो हैं, छोटे कामगार जो लोग हैं, उनको 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये महीने की जो पेंशन दी है वो भी एक मोदी जी का बहुत अच्छा फैसला है। बिल्कुल 100% मोदी जी की सरकार।